एक तरफ WTO में भिड़ंत के बाद अब जर्मनी में भिड़े भारत और अमेरिका, और भारत वसूलेगा हर्जाना अमेरिका से, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस खरीदने के बाद फिलीपींस ने बहुत बड़े खेल को उजागर कर दिया, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जितने ये डेवलप्ड कंट्रीज देख रहे हैं आप, विकसित देश जिन्होंने एक समय चाहे प्राकृतिक संसाधन हो चाहे इंसान हो चाहे देश हो सबका दोहन किया, और दोहन करने के बाद इन्होंने बहुत सारा माल बनाया। माल बनाने के बाद अब जब परिस्थितियां उलट रही हैं तो इन लोगों की आदत है कि सारा दोष मर्दो जो नए देश विकासशील देश हैं जो अभी विकास के रास्ते पर बढ़ ही रहे हैं उनके ऊपर। हो भी ऐसा ही रहा है, जिस तरीके की जलवायु आज से 50 साल पहले 60 साल पहले थी वो आज नहीं है, लेकिन 50-60 साल पहले प्रकृति का पूरा दोहन किया अमेरिका जैसे विकसित देशों ने। इन्होंने दोहन करके अपने आप को विकसित बना लिया, सारी चीजें ठीक कर ली, तब अब जाके विकासशील देश इस रास्ते पे बढ़े हैं। तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और इन सब के लिए विकसित देश जिम्मेदार कर देते हैं कि नहीं, चीन की आबादी बहुत ज्यादा है, चीन औद्योगिक कल कारखाने लगा रहा है, भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत औद्योगिक कल कारखाने लगा रहा है, भारत पोल्यूशन फैला रहा है, चीन पोल्यूशन फैला रहा है, ऐसे विकासशील देशों के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक कि इनको ही जिम्मेदारी दी गई है ये ही कार्बन उत्सर्जन को कम करें, जीरो करें, ये सारी चीजों पर काम चलने लगता है। हर मंच का इस्तेमाल अमेरिका और पश्चिमी देश फिर ऐसे ही कामों के लिए करने लगते हैं। इस बार की बात अलग है, ग्लासगो मीटिंग में पीएम मोदी ने इसकी झलक दी थी और जर्मनी में अब इसकी पूरी झलक देखने को मिल रही है। ग्लासगो मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि ये सारा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है 2070 तक हम 0% कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएंगे, लेकिन इसे बनने के लिए हमें खर्च लगेगा, और वो खर्च कौन देगा, वो खर्च आप विकसित देश दोगे जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का खूब इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके ये देश आज विकसित बन गए हैं। इन देशों को देना होगा हर्जाना, ताकि इस हर्जाने का उपयोग करके हम फिर से प्रकृति के अनुसार काम कर सके। अब यही बात जर्मनी के बर्न में हुए सम्मेलन में भी हुई, भारत ने इसी बात को दोहराया और कहा कि विकसित देश चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो जिन्होंने भी अपना कदम बढ़ा लिया है, अब उन्हें हर्जाने के तौर पर विकासशील देशों को पैसे देने चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सके, हम अब प्रदूषण को संभाल सके और अपने विकासशील दर को भी उसी हालात में बनाए रखे, यानी ऐसा न हो कि हमारा विकास रुक जाए आप लोगों की गंदगी को साफ करते करते। आपके फैलाए हुए गंदगी को साफ भले हम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हर्जाना तो आपको भरना ही पड़ेगा। खैर, भारत की मांग बिल्कुल सही है और इसमें कई सारे विकासशील देश हैं जो साथ आ गए हैं भारत। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में एक और बवाल मचा दिया है भारत। हाल ही में हमने देखा कि सोलेमन द्वीप पर चीन ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत कब्जा किया। सोलेमन पर कब्जा करने का मतलब था गुआम एयरबेस पर चीन की नजर, गुआम एयरबेस को कभी भी टारगेट कर सकता है चीन, कुछ ऐसी ही हालात बनाना चाहता था। हालांकि इसका असर देखने को मिला भी, गुआम में तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दिया है अमेरिका ने और गुआम को सुरक्षित करने की दिशा में अमेरिका बढ़ गया है। लेकिन चीन यहां रुका नहीं है, चीन ने किरीबाती आइलैंड और भी कई अफ्रीकी देशों के छोटे बड़े आइलैंड पर नजर डालना शुरू कर दिया है, इस इलाके पर नजर डालना शुरू कर दिया है। अब भारत की बात करें तो भारत को घेरने के लिए पहले से ही प्रोग्राम चीन ने काफी कुछ रखा हुआ है, कई सारे ऐसे बेस हैं, पाकिस्तान जो सदाबहार दोस्त है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, ये सारा कुछ भारत को घेरने के लिए अब तक चीन चल रहा था। लेकिन चीन को घेरने के लिए भारत क्या कर रहा है, आपको बता दें पिछली सरकारों में ऐसी मान्यता थी कि चीन के खिलाफ अगर कुछ किया कि आक्रामकता को आप बुलावा दे रहे हो। ऐसा एक मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि बॉर्डर पर अगर हम निर्माण करेंगे तो समझ लेना कि हम चीन को बुलावा दे रहे हैं झगड़े के लिए, इसलिए कुछ निर्माण ही मत करो। पर भारत के साथ ऐसा नहीं है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना शुरू कर दिया बॉर्डर के इलाकों में, तो वहीं समंदर में भी, दक्षिण चीन सागर में भी चीन को घेरने का पूरा पुख्ता इंतजाम
इंतजाम कर लिया। पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहा है चीन और ये हथियार घातक भी है। जैसे जैसे पाकिस्तान को चीन हथियार दे रहा है वैसे वैसे अब भारत भी सजग हो रहा है और भारत ने सबसे बड़ी डील पहली बार की $375 मिलियन की ब्रह्मोस, और वो भी किसके साथ? फिलीपींस के साथ। वैसे आपको बता दें फिलीपींस में सत्ता बदल गई है और उसके बाद चीन ने ये सोचा कि फिलीपींस के साथ अब तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अब भारत वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा जो उसने ब्रह्मोस बेचकर किया। ब्रह्मोस की तैनाती भी शुरू हो गई है। ब्रह्मोस के लिए जो ट्रेनिंग देना था वो भी भारतीय सेना फिलीपींस की सेना को दे रही। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। अब फिलीपींस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चीन के पड़ोस में अब पहुंच चुका है ब्रह्मोस मिसाइल। वो ब्रह्मोस मिसाइल जिससे खुद ही डरता है चीन बहुत ज्यादा। पर फिलीपींस ने ये कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, ब्रह्मोस की जो डील हुई है ये डील एक शुरुआत भर है, अभी हम दोनों सेना मिलकर बहुत सारा काम करने वाले हैं। दरअसल हम दोनों सेना दक्षिण चीन सागर में मिलकर बहुत सारी चीजों को अंजाम देने वाले हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि हम अब युद्धाभ्यास करेंगे, सैन्य सहयोग एक दूसरे को देंगे। वैसे आपको बता दें हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ एक सैन्य समझौता किया है जिसके अनुसार वियतनाम के सैन्य बेस का इस्तेमाल भारत करेगा। अब फिलीपींस का इशारा हो सकता है कुछ उसी दिशा में हो, फिलीपींस के भी बेस के लिए भारत और फिलीपींस के बीच समझौते हो सकते हैं। अगर ये समझौते होते हैं तो ये समझौते बिल्कुल भारत को दक्षिण चीन सागर में बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे और दक्षिण चीन सागर में भारत की मजबूती चीन के लिए काल का काम करेगी। चीन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि उसका पड़ोसी एक एक करके अब चीन के खिलाफ होता हुआ दिख रहा है और भारत चीन को उसके ही घर में घेरने में सफल हो रहा है। खैर ये बातें किसने कही, तो आपको बता दें ये बातें फिलीपींस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई, जिसमें ये कहा गया कि ये पार्टनरशिप तो महज एक शुरुआत है। हिंद महासागर क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर में हम बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ मिलकर करने वाले हैं और इसके लिए फिलीपींस भारत के साथ सहयोग को लगातार बढ़ाएगा। वैसे ब्रह्मोस के बाद आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी बात चल रही है, इसके अलावे LCH हेलीकॉप्टर की भी बात चल रही है। ऐसा लगता है जैसे चीन के पड़ोसियों के घर पाट देगा भारत हथियारों से। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, क्या भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है, अब के भारत चीन को घेरने का सही प्रोग्राम बना रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।